केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का आज करनाल दौरा, करनाल की इंद्री विधानसभा में पहुंचेंगे मनोहर लाल। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत इंद्री पहुंचेंगे मनोहर लाल, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे मनोहर लाल। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा ये कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ले सकते हैं मनोहर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो समय है वो 3:30 बजे का बताया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का आज करनाल का दौरा है, करनाल जाएंगे और वहीं करनाल की इंद्री विधानसभा में मनोहर लाल पहुंचेंगे, जनसंवाद करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत इंद्री पहुंचेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे मनोहर लाल। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा ये कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ले सकते हैं मनोहर लाल। करनाल के दौरे पर रहने वाले हैं और साथ ही जनसमस्याएं भी सुनेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का आज करनाल का दौरा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज मनोहर लाल का करनाल का दौरा रहने वाला है, इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पिछले हफ्ते भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल करनाल आए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी और उसके बाद जनसंवाद के कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने आम पब्लिक की समस्याओं को सुना था। आज वो करनाल लोकसभा की इंद्री विधानसभा में पहुंचेंगे, क्योंकि 9 अलग अलग विधानसभाएं और इन्हीं 9 विधानसभा से वो संसद में जनता की बात रखते हुए नजर आते हैं। तो आज इंद्री विधानसभा में पहुंचेंगे, करीब 3:30 बजे के आसपास वहां पर जनसंवाद का कार्यक्रम है। 1 से 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद जानकारी ये भी है, जो इंद्री के तमाम कार्यकर्ता हैं उनके साथ मुलाकात करके वो मीटिंग करेंगे और किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनावों में रणनीति तैयार करनी है, किस तरीके से पार्टी को जीत दिलानी है, उस पर काम करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इंद्री विधानसभा अभी बीजेपी के खाते में है, चाहे विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर जब अभी लोकसभा चुनाव हुए थे तो वहां से मनोहर लाल को लीड मिली थी इंद्री विधानसभा क्षेत्र से, तो ऐसे में वो लीड बरकरार रहे और विधानसभा चुनावों में जीत हासिल हो, इसके लिए वो कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति भी तैयार कर सकते हैं। हिमांशु नारंग, बात करें जो लगातार भाजपा की तरफ से बैठकें की जा रही हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी चूक ना हो, जो लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की चूक देखने को मिली थी। जी हिमांशु, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ना सिर्फ 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली थी बल्कि 46 विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी। तो उस लीड को तोड़ना है और पिछली बार जो बहुमत रह गया था बीजेपी पार्टी का, उस बहुमत को हासिल करना है। ब्राह्मण कार्ड भी खेला है और मोहनलाल बड़ूली को बना दिया गया है नया प्रदेश अध्यक्ष, वो अलग अलग जगह जा रहे हैं, कार्यकर्ता उनका स्वागत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल साफ है कि सभी नेता मिलकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं और उसी के चलते अलग अलग जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जी हिमांशु, आपने तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।